मिल गया बोनस, मिल गया। हाँ बोनस आपको, तुम तो पड़ोसी का, तुम्हें तो मोटा मिला हुआ बोनस। नहीं तो बोनस तो सर दूध के हिसाब से होता है ना जैसा। तो दोस्तों हम आ चुके थे यहाँ पे गोरा पड़ाव में, आज हमारी यहाँ पे मीटिंग थी। आप बता सकते हैं क्या क्यों आए हैं? मुझे तो काफी टाइम हो गया यहाँ साइकिलिंग करते हुए, तो मेरा मन है भाई भी क्या बोलते हैं साथ में टूर हो जाए हमारा साइकिलिंग का। एक लॉन्ग टूर करेंगे थोड़ा सोलो राइड, और छोटा भाई पीछे। और मेरा नाम है मन्नू ब्लॉग्स, मेरी तो दोस्तों आज हमें मिलने वाला है बोनस दूध की डेयरी से, तो आज वहाँ जाना है, आज वहाँ बैठा है मीटिंग है, तो वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये खड़ा अपना वाहन के 6 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर केक काट के आज इसका कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। 30 मेंबर होने जरूरी है, ये बताया था ना शुरू में 30 सदस्य होने जरूरी है, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं। तो 30 सदस्य ने मिलकर के एक वहां पर मंडली बनाया, तो मंडली कहते हैं दुग्ध समिति कहते हैं वहां पर, बोलते मंडली कहते हैं, एक मंडली बनाई और मंडली के थ्रू दूध का कारोबार शुरू किया। तो उन्हें ये लगाया कि एक दिन जो है एक पहुंचाने जाएगा, दूसरे दिन दूसरा पहुंचाने जाएगा, महीने में एक बार पानी और हम पहुंचा के आएंगे। अब ये हुआ कि दूध तो पहुंचा दिया, वहां पैसे आए, लोगों को बांट भी दिए, लेकिन जो पहुंचाने गया जिसने हिसाब किताब लिखा, सबका रिकॉर्ड बनाया किसने कितना दूध दिया था, उसको पैसा कहाँ से दें। तो एक अच्छी सोच निकल करके आई कि इसमें हम दूषण की स्थापना करते हैं, जिसका मतलब दूध क्या है पानी से भारी है, और कितना भारी है 3%। अगर 100 लीटर दूध हम नापेंगे तो किलो में तोलेंगे 103 किलो, तो 3 लीटर हमारा दूध कैसे दूषण से बढ़ के आते हैं। 1795 रुपये उसके बाद देता है दूषण आपको 2.5% कमीशन। आनंद पद्धति में कमीशन 3 तरह से दिया जाता है, जाड़ों में 2%, बरसात में 2.25%, और गर्मियों में 2.5%। लेकिन दूषण नैनीताल दूषण में आज से 12 साल पहले जैसे आपकी एजीएम हो रही है, ऐसे एजीएम हुई, कमीशन बनाने की मांग आई, तो आपको 2.5% कमीशन दिया जा रहा है, 50,424 रुपया 56 पैसा, 1,17,000 रुपया आपको दूषण ने लीटर किलो अंतर और कमीशन के रूप में दिया है, जिसका आगे बोनस बांट रहे हैं। आप सबको साथ देकर इस समिति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगी, दूषण का हमेशा सहयोग करती है। मंच में हमारे सभी वरिष्ठ जन, मैं सभी को एक मालामाल पहनते हुए सभी बुजुर्ग जनों को प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, और युवाओं का अभिनंदन करता हूं नैनीताल दूषण परिवार आंचल की ओर से और उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन की ओर से। आप सबको मैं कुछ डेयरी के क्षेत्र में कुछ कहूँ तो कर्नाटक जी जैसे उत्पादक यहाँ बैठे हुए, तो मेरे लिए उसी के क्रम में दूषण ने भी अपने स्तर से प्रयास करा। अभी जब भूसा बहुत महंगा हो गया था, मैंने आगरा का माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री सौरभ वर्मा जी से, तो उनके प्रयास से पूरे प्रदेश में भूसे को बाहर जाने पर रोक लगाई, लेकिन उसके बाद भी दरों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई, 1500-1600 के आसपास भूसा आम हो गया था और जो हमारे दुग्ध उत्पादकों की पहुंच से दूर हो रहा था। उसमें दुग्ध ने प्रयास करा कि पहली बार 74 साल के इतिहास में दुग्ध के 800 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में 18 अगस्त तक दी गई। उसके लिए मैं अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी सहित जिला नियोजन समिति का और जिलाधिकारी नैनीताल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने 35 लाख रुपये का हमको दुग्ध उत्पादकों के लिए दिया और हमने प्रयास करा कि जितना जिसको पहुंच सके उसको पहुंचाने का प्रयास करा। लेकिन 18 तारीख को जिला योजना का अनुदान अगस्त को बंद हो गया था, उसको दुग्ध उत्पादकों और दूषण के हित में लगाया जाएगा। इसके बाद से 5 किलो पनीर, लस्सी और अन्य गाय का दूध जैसे प्रोडक्ट जब निकाले तो उसको दूषण को लाभ हुआ, दूषण को लाभ हुआ, उसी का परिणाम है कि जो 4 रुपये हमने बाजार में बढ़ाए सीधे 4 रुपये उत्पादक को दे दिए, जो लस्सी या पनीर बेच करके हमने आय करी या कुछ अपने खर्चों में कटौती करी, उससे हमने दूषण के खर्चे मेंटेन करे। और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि हम दूषण को और बेहतर करें। अभी मेरे 2 उत्पादों की लॉन्चिंग की तैयारी है, होम बनाई दूध हम दिवाली से पहले लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन हम उसको नवंबर माह में राज्य स्थापना के दिन लॉन्च करेंगे, कुछ मदर डे हमारे लिए बना हुआ है और हमारे देश में माननीय विधायक जी कई अन्य कार्यक्रम भी है, तो मैं आग्रह करूंगा विधायक जी से कि संक्षिप्त आशीर्वचन देते हुए प्राप्त करेंगे।
से अनुरोध करूँ नाम ये खातून चला गया होगा ना, सबका खातून चला गया अपने पास में, दूसरे स्थान पर शीला चौहान नंदन सिंह 65,000 का इनका बोनस, 2,795 रुपए का बोनस है। हेलो श्रीमती चंद्रकांता मेरा जी से अनुरोध है, मेरी स्टूडेंट रही है, मैंने वो पढ़ाया बचपन में और यहाँ की अध्यक्षा है, मैं अनुरोध करूंगा। हमारे सब हमेशा साथ दिया है और जो भी करा है सब ठीक करा है, और हम क्या बोले अध्यक्ष जी उनको देंगे प्रेमा कुरा, आइए प्रेमा कुरा, प्रेमा कुरा, राधा रावत, हरीश रावत, अरे सैटर सुनो, 3 डब्बे का प्लास्टिक, पार्वती रावत, दीवान रावत, ये नमकीन लगेंगे जी, पार्वती रावत, दीवान रावत आई हेलो अरे 3 डब्बे कह रहा हूँ, 3 डब्बे अरे वो आता वो जितनी तो छोटा ही रहता है, कौन दे दो बोतल देखते हैं फिर अभी आंटी आप भी खड़ी रहो, आओ वो काम बाकी और भी तो तुम पहले उसमें लेना, पहले मैं फोटोग्राफर था ना बचपन में, देखो सही कोशिश करो तो दोस्तों हम आ चुके थे यहाँ पे गोरा पड़ाव में, आज हमारी यहाँ पे मीटिंग थी, आप बता सकते हैं क्या क्यों आए हैं? ये हमारे जो दुग्ध महिला दुग्ध समिति की मीटिंग होती है, इसका बोनस वितरण का कार्यक्रम होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आज मीटिंग थी गांव की, मतलब जितने भी महिला दुग्ध महिला समिति में महिलाएं हैं, जितने भी मेंबर हैं उन सबकी आज बोनस वितरण का कार्यक्रम था, उसके लिए यहाँ पे हमारे सब लोग उपस्थित हुए हैं। चलो बढ़िया बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा फर्स्ट बार था, अब हर साल होता है तो आएंगे हमेशा, मिलते हैं आपसे। तो अब ललित भाई से आइए, हमारे मित्र हैं, मुझे तो काफी टाइम हो गया यहाँ साइकिलिंग करते हुए, तो मेरा मन है भाई भी क्या बोलते हैं साथ में टूर हो जाए हमारा साइकिलिंग का, एक लॉन्ग टूर करेंगे थोड़ा सोलो राइड, और छोटा भाई पीछे, और मेरा नाम है मन्नू ब्लॉग्स मेरी। दोस्तों हम आ चुके हैं घर और हमें मिल चुका है बोनस, तो बोनस दिखाते हैं, ये मिले हैं टब और बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइट वेट है और काफी अच्छा प्लास्टिक है इसका, तो करते हैं इसको सब्जी वब्जी धोने में यूज करेंगे, घर में हम सामान रखेंगे इसमें, तो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी आपका। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।